नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे शोल्डर पेन के बारे में। पहले बात करते हैं शोल्डर जॉइंट क्या होता है और कैसे यह फ्रोजन शोल्डर में बदल जाता है। शोल्डर जॉइंट ह्यूमरस, स्कैपुला एंड क्लेविकल बोन्स से मिलकर बनता है। शोल्डर जॉइंट को टिश्यूज, मसल्स और लिगामेंट होल्ड करने में हेल्प करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंच सके। फ्रोजन शोल्डर में शोल्डर को मूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसे मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोला जाता है। हर जॉइंट के बाहर एक कैप्सूल होता है। कुछ कारणों की वजह से यह स्टिफ और टाइट हो जाता है, जिसे कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। इसकी वजह से शोल्डर जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा पूरा कंधा जाम हो जाता है और कुछ एक्टिविटी करते ही पेन सिवियर हो जाता है, जैसे कि ड्राइविंग, कुकिंग। अब बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेजेस में डिवाइड होता है और स्टेज के अकॉर्डिंग ही इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज, जिसे फ्रीजिंग स्टेज बोला जाता है, इस स्टेज में आपको मूवमेंट करने में पेन फील होता है। धीरे धीरे यह कंडीशन वॉर्स होती जाती है और नाइट वॉर्स पेन भी स्टार्ट हो जाता है। आपके शोल्डर की मूवमेंट लिमिटेड होना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। इस स्टेज को फ्रोजन स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज में आपका पेन थोड़ा कम हो जाता है, बट स्टिफनेस बढ़ जाती है। आपको शोल्डर जॉइंट को मूव करने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। डेली एक्टिविटी करने में अपने आप को असफल पाते हैं। जानते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। इस स्टेज को थॉइंग स्टेज बोला जाता है। इस स्टेज में आपको शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट बैक टू नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं उन कॉजेज के बारे में जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फ्रोजन शोल्डर कॉजेज, एग्जैक्ट कॉज इज नॉट फुली अंडरस्टूड, बट देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स विच कन्वर्ट इन फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर मेल्स के कंपेयर में फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। डायबिटीज पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक, ब्रोकन आर्म और रोटेटर कफ इंजरी जैसे पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं उन सावधानियों के बारे में जिन्हें फॉलो करके हम फ्रोजन शोल्डर को वॉर्स होने से बचा सकते हैं। पहली सावधानी है, कभी भी आपको शोल्डर पेन फील हो तो ज़्यादा टाइम तक इग्नोर नहीं करना चाहिए और इमिडिएटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी सावधानी है, शोल्डर पेन ज़्यादा होने पर हाथों को सिर के बराबर ऊंचाई पर रखकर सोएं। शोल्डर के नीचे 2 कुशन रखकर सोने में पेशेंट को पेन में आराम मिलता है। थर्ड प्रिकॉशन है, आपको पोस्चर और स्लीपिंग पोजिशन का ध्यान रखना चाहिए। फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट को अफेक्टेड आर्म की साइड से नहीं सोना चाहिए। जब आप बैठे हो या खड़े हो, अपने पोस्चर और स्पाइन का ध्यान रखें। उन एक्टिविटी को अवॉइड करें जिससे आपका पेन इंक्रीज होता है। शोल्डर जॉइंट से किसी भी प्रकार की एक्सेसिव मूवमेंट ना करें, जिससे आपके जॉइंट पर बार बार स्ट्रेस पड़े। अब बात करेंगे उन एक्सरसाइज के बारे में जिनकी हेल्प से हम फ्रोजन शोल्डर को हील कर सकते हैं। शोल्डर एक्सरसाइज करने से पहले पेशेंट को हीटिंग करनी चाहिए 10-15 मिनट्स के लिए। इसके लिए आप हीटिंग पैड और हीटिंग बेल्ट का यूज कर सकते हैं। इसका फायदा यह होगा, पेशेंट को एक्सरसाइज करने में पेन और स्टिफ फील नहीं होगा और शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट एक्सरसाइज है पेंडुलम स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने से शोल्डर जॉइंट की स्टिफनेस कम हो जाती है और पेन में रिलीफ मिलता है। यह एक्सरसाइज पेशेंट को खड़े होकर करनी है, अपनी अफेक्टेड आर्म को थोड़ा झुकाना है और शोल्डर जॉइंट को रिलैक्स करना है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। अफेक्टेड आर्म की हेल्प से पेशेंट को स्मॉल सर्कल बनाना है क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। यह एक्सरसाइज 10 टाइम्स दोहरानी है इन बोथ डायरेक्शन। व्हेन योर पेन डिक्रीज देन मेक अ बिग सर्कल। इस एक्सरसाइज को दिन में 2 बार दोहराना चाहिए। सेकेंड एक्सरसाइज है टॉवल स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज का बेनिफिट यह है कि पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज में पेशेंट को एक बड़ा टॉवल लेना है और उसे अपने दोनों हाथों से होल्ड करना है, जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। फिर अनअफेक्टेड आर्म की हेल्प से अफेक्टेड आर्म को अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार दोहराना है और दिन में 2 बार करनी चाहिए। थर्ड एक्सरसाइज है फिंगर वॉक। यह एक्सरसाइज करने से पेशेंट के डेली टास्क ईजी हो जाते हैं और शोल्डर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाती है। इस एक्सरसाइज में पेशेंट को वॉल के सामने खड़े होकर अपनी फिंगर को स्पाइडर की तरह वॉल के ऊपर चलाना है।
स्टार्टिंग में पेशेंट की एल्बो बेंड पोजीशन में होनी चाहिए जैसा इमेज में दिखाया गया है। जैसे जैसे पेशेंट का हाथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एल्बो स्ट्रेट होती जाएगी और शोल्डर को कंफर्टेबल जोन का ध्यान रख के करना है। जिस लेवल पे पेन स्टार्ट हो जाए बस उसी लेवल तक आपको यह एक्सरसाइज करनी है। फोर्थ एक्सरसाइज है क्रॉस बॉडी रीच। यह एक्सरसाइज करने से पेशेंट के शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी इंक्रीज होती है। इस एक्सरसाइज में पेशेंट को अनअफेक्टेड आर्म से अफेक्टेड आर्म को बॉडी के क्रॉस ओवर स्ट्रेच करना है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है। इस एक्सरसाइज को आप सिटिंग और स्टैंडिंग दोनों पोजिशन में कर सकते हैं। होल्ड दी स्ट्रेच फॉर 15 to 20 सेकेंड। यह एक्सरसाइज भी आपको दिन में दो बार दोहरानी चाहिए। फिफ्थ एक्सरसाइज है शोल्डर श्रग। इस एक्सरसाइज को करने से पेशेंट का शोल्डर पेन कम होगा और यह एक्सरसाइज पेशेंट की शोल्डर मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने में और पोस्चर को बेटर करने में हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज में पेशेंट के शोल्डर को अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करना है जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, देन होल्ड दी फॉर 10 सेकेंड। इस एक्सरसाइज को पेशेंट को दिन में दो बार करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।